नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे, ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं, ना जाओ दूर इनसे कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे, ये है पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने। What is up? So welcome back to my channel. So guys, today is the day we guys are leaving for Vrindavan. और हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं, 7 बजे में नहा धो के प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ, और मैं पूरी रात नहीं सोई, एक तो पैकिंग में फिर एक्साइटमेंट में, और अभी हम लोग फटाफट से निकलते क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है टाइम के हिसाब से। बाकी आज मेरा फास्ट भी है गाइज, पूर्णिमा का, और मैं ऑन द वे शायद ज़्यादा व्लॉग ना करूँ या करूँ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा सोने का प्लान है और पापा ड्राइव करेंगे, तो वैसे ही मेरे से पापा के सामने व्लॉग नहीं होता, मुझे शर्म आती है गाइज, पता नहीं मैं ऐसे क्यों, पर मुझे आती है। तो बाकी जैसे भी होगा जो भी होगा वो तो तुम्हें व्लॉग में दिखता रहेगा। मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, होपफुली कुछ छूटा ना हो, अगर कुछ छूट भी जाएगा तो बाद में आता रहेगा वो तो सामान, कोई नहीं। चलो गाइज अब लेट्स गो, क्योंकि हमारी मशीन आवाज़ कर रही है। गाइज घर से निकलते टाइम तो मैं ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पाई, मतलब मेरा अंदर से ही मन नहीं हो रहा था, विवेक से मिली और ऐसे अपना रूम देख रही थी, सब कुछ कर रही थी, पूजा भी की मैंने, फिर एकदम से ऐसे नहीं होता, मतलब जैसे ही मैं कार में बैठी ना, एक अजीब सी फीलिंग थी, पता नहीं मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे कि यार अब मैं जा रही हूँ, मतलब ठीक है ये मेरा डिसीजन है जहाँ मैं जा रही हूँ गाइज, तो खुशी भी है पर एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, सब कुछ है। और अभी हम रुके हैं जूस पीने, मम्मी पापा को जूस पीना है और मुझे ही पीने क्योंकि आज हमारा फास्ट है, और हमने फ्रूट्स भी लिए इससे पहले मम्मा ने, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे गाइज। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अभी ना पता है लिटरली मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं सही में, पर चलो कोई नहीं गाइज लेट्स गो, वृंदावन इज ऑन गाइज। आज मौसम भी बहुत अलग अलग हो रहा है, अभी तो इतनी धूप थी और अब बारिश होने लग गई आई गेस। गाइज अभी भी हम लोग दिल्ली में, यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक था दिल्ली में, निकलते निकलते काफी टाइम लग गया। मम्मी कहाँ गई, कैसा लग रहा है मम्मी? आज मम्मी कभी गई नहीं थी गाइज वृंदावन, तो मम्मी का कहना ये है कि मेरी वजह से जा पा रही है तो अभी तो हम लोगों को टाइम लगेगा पहुंचने में, 2.5-3 घंटे तो लगेंगी, मैं तो नींद भी आ रही है बहुत तेज। क्यों बता रही हो इतना इनको क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा गाइज, मैं सो ही नहीं हूँ ना, तो सुन हो रखा है दिमाग, हो गया दिमाग। अब मैं सीधा वहीं जाकर मिलूंगी गाइज तुम्हें, ओके बाय। गाइज फाइनली हम लोग आ गए वृंदावन और मम्मी देख रही है व्यू खड़े होके, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसा व्यू है गाइज पे, ये हमारी बालकनी से व्यू पूरा, और आई गेस पूरा ही वृंदावन हमें ही दिख रहा है, उधर स्कॉन भी है और सारे प्रेम मंदिर सब कुछ दिख रहा है इधर से। तो गाइज फाइनली हम लोग तो आ गए हैं, और बाकी ये मैंने फ्लैट है जो लिया था यहाँ पे, और इसका पूरा टूर मैं आपको अभी तो नहीं आ रही, 1-2 दिन में करा दूंगी सब कुछ सेट करके यहाँ पे सामान वामान, क्योंकि अभी फैला हुआ है सब कुछ, कुछ सेट नहीं है तो वो सब करूँगी धीरे धीरे। और अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, अभी सामान भी लेके आना है नीचे से, और ये 10th फ्लोर पे है तो हमें ये इतना अच्छा व्यू दिख रहा है गाइस, और अभी थक गए हैं, पहले कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर कुछ देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं आज डे में। मम्मी कह रही है कि जब तक मम्मी पापा यहाँ पे है तब तक तो घूम ही लूँ मैं उनके साथ, तो कहती है मम्मी कि शाम को चलते हैं कहीं घूमने, पर देखती हूँ मेरी हालत रही तो गाइज वैसे आई ट्राई माई बेस्ट। सो गाइज मम्मी और मैंने आते ही ये बेडशीट चेंज कर दी, काफ़ी होमली फील आ रहा है अब, और अभी मुझे 2 दिन इस वाले रूम में रहना है मम्मी पापा के साथ क्योंकि मेरे रूम में काम चल रहा है गाइज, अभी क्लीनिंग हो जाएगी वो, तो आज 6th है तो मुझे 8th को वो रूम मिलेगा, तब तक हम लोग तीनों इसी में रहेंगे, ठीक है। स्पेशियस है रूम काफ़ी, हम रह सकते हैं आराम से, और अभी मम्मी और मैं, शायद पापा तो नहीं पर मम्मी और मैं जाएंगे यहाँ पे, मम्मी के जो नोन है मेरे भी नोन है, हमारे जो नोन है ये बोलना चाहती थी मैं, उनकी भागवत कथा है तो हमें वहाँ पे जाना है गाइज, और उसका टाइमिंग है 3:30, वो हमें लेने आ जाएंगे। पिछले मेरे वृंदावन के व्लॉग्स में सबने शिवम को देखा होगा,
तो शिवम आएगा हमें लेने और वो भजन संध्या भी करता है गाइज, तो हम फर्स्ट टाइम उसकी अटेंड करेंगे भजन संध्या, शायद लास्ट डे उसकी भागवत कथा का, तो वो देखेंगे और आप सबको भी दिखाऊंगी मैं। तो आते ही अभी कुछ रेस्ट नहीं करना, चेंज करना फटाफट, रेडी होके सीधा वहां जाएंगे वृंदावन में। आते पहले दिन ही इतना अच्छा काम, वाह मम्मी, आपने सोचा था कभी ऐसे होगा कि पहले दिन आते ही आपको भागवत कथा देखने को मिलेगी? नहीं ना, किस्मत वालों को मिलती है। यस, और ये किस्मत हुई है सिर्फ मेरी काजल की वजह से। यस, सो गाइस मम्मी और मैं हो गए रेडी और हम लोग जा रहे हैं अब 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गाइस, और अब सीधा भागवत कथा में जाएंगे। मेरी इतनी सी आग लग गई थी, बस इतनी सी, बट फिर एकदम से कॉल आ गया शिवम का कि मैं आ गया हूँ, तो मैं एकदम से उठ गई। मैं पूरी रात से नहीं सोई हुई गाइस और सरवाइव कर रही हूँ, तो अब सीधा चलते हैं वहाँ पे। और मैंने नॉर्मल ब्लैक सूट पहना है और मम्मी ने कुछ ऐसा पहना है गाइस ग्रे, और हम लोगों ने नॉर्मली पहना है। चलो लेट्स गो, मेरी आवाज़ भी भारी हो गई है बिना सोए। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस, और मैं डे में दिखाऊंगी, ये हमारी पूरी सोसाइटी है जहाँ पे हमने फ्लैट लिया है। और आप ऐसे कैसे खड़ी हो इतना पोज बना के अक्षय कुमार वाला? तो गाइस भागवत कथा कैसी लगी मम्मी आपको? बहुत बढ़िया। फर्स्ट डे पे कृष्ण जी ने आपका ये वो किया है स्वागत, है ना, तो ये वेलकम था आपका, और ये सिर्फ कुछ भाग्य लक्ष्मी लोगों को मिलता। आज पूर्णिमा भी थी और अभी मम्मी और मेरा तो फास्ट ओपन ही नहीं हुआ, 8:30 बज गया है रात के और भूख लग रही है बहुत तगड़ी है हम दोनों को। तो बोल कहाँ है? गाड़ी में रख दी थी। और अब हम ऊपर जाएंगे और खाना खाएंगे, मेरी तो हालत डेड है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बिल्कुल नींद की वजह से, तो मैं ऊपर जाके एंड करूंगी ब्लॉग को, अब बस खाना ही खाना रहता है। पापा ने भी नहीं खाया, वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, आई जस्ट वोक अप, मैं तो कल घर आते ही सो गई भाई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब, मैं लेटी और मैं जस्ट सो गई, और मैं अभी उठी हूँ और मेरी शक्ल बहुत बेकार हो रही है, पिम्पल भी हो गया, पता नहीं यार आते ही पहले दिन ही पिम्पल हो गया, और मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया था, ऐसे ही सो गई थी गाइस। तो इस व्लॉग को तो अभी यहीं एंड करते हैं, आज का क्या प्लान है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। आज शायद हम शाम को ही निकलेंगे घूमने, क्योंकि सुबह थोड़ा काम वाम करेंगे फ्लैट, मतलब घर का ही सब कुछ सामान वामान लाना है या जो भी करना है, तो शाम को ही जाएंगे घूमने तो हम गाइस ऐसे, बाकी वो तो हम जैसे भी जाएंगे जब जाएंगे वो आपको दिख जाएगा व्लॉग में। मेरी आइज से ना सुबह उठते ना पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो अभी वही आ रहा है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना मेरे चैनल को गाइज, और वृंदावन के अब व्लॉग्स ही व्लॉग्स आएंगे। और आज का जो व्यू है ना मॉर्निंग का, मैं दिखाऊं तुम्हें, ये देखो गाइस, एक तो ये है मोर कहाँ पे है? ये रहा, और एक ट्री पे बहुत सारे बैठे हैं, कहाँ गई वो ट्री? ये हाँ ये रही, ये रही गाइस, सी इस पे मोर है या आउल है पता नहीं वो है, और एक दो डियर भी दिखी थी, और बहुत अच्छा व्यू है यार, सुबह उठते ही हमें इस्कॉन के भी दर्शन हो जाते हैं इनसे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइज, अब मैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।